टोटल अगर जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस है जो चार टाइप का हमारे पास ए बी सी डी, अगर टोटल बात करें तो इन्फ्लुएंजा के 3 मामले अब तक सामने आ चुके हैं गुड़गांव में। एक हमें रोहतक से क्रॉस नोटिफाई हुआ है, एक प्राइवेट फैसिलिटी से, और एक हमारे जो हमने टेस्टिंग करी उसमें। तो टोटल इन्फ्लुएंजा के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक H3N2 का है, बाकी 2 टाइप B के मामले हैं। इनमें क्या ट्रैवल हिस्ट्री भी है इनकी कोई? नहीं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई सामने नहीं आई है। इनमें से एक 55 साल की महिला है और एक 4 साल का बच्चा है और एक 11 महीने की बच्ची है। तो जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जिसमें पाया गया है वो किसी बच्चे के अंदर है? देखिए, 2 में तो इन्फ्लुएंजा वायरस है अपने और एक 55 साल की। टोटल 3 मामले हैं इन्फ्लुएंजा के। इनमें से जो एक बच्ची जो बताई 11 महीने की, वो एडमिट है PGI में, बाकी एक ओपीडी में टेस्ट किया गया था अपने बच्चे को, सिम्टम थे, वो बच्चा ठीक है बिल्कुल। और जो प्राइवेट फैसिलिटी में भी है उसको भी डिस्चार्ज कर दिया गया महिला को। यानी इस समय कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं, नहीं इस है? समय कोई भी घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसा हम आप लोगों के माध्यम से पहले भी पब्लिक को बता चुके हैं कि ये सीजनल वायरस है इन्फ्लुएंजा, यह कोई नया वायरस नहीं है, यह हर साल हमारे, और यह बढ़िया है कि हम टेस्टिंग और अपने सर्विलेंस से इसको काबू कर पा रहे हैं। अपने अनाउंसमेंट्स भी किए हुए हैं नागरिक अस्पताल में? हाँ जी, हमारे यहाँ पर एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है फ्लू वायरस के, इन्फ्लुएंजा के लिए आइसोलेशन वार्ड, और इवन सोना और पटौदी में भी डायरेक्शन जारी की गई है कि कोई ऐसा केस अगर आपको सस्पेक्टेड लगता है तो उसको आइसोलेट करके वहीं सेपरेट एडमिट किया जाए।